नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड की राजनीति में इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर माइंस लीज मामले में बीजेपी लगातार हमलावर है, वहीं सत्ता पक्ष भी हेमंत सोरेन के बचाव में है। जहां सत्ता पक्ष बचाव में है, वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नेता मीडिया के सामने आकर आरोप प्रत्यारोप तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी अपने बम फोड़ने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्वीट के जरिए हेमंत सोरेन पर एक बार फिर से हमला बोला है। ट्वीट में बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि झारखंड में कानून का राज चल रहा है या फिर गलती करने और कराने की फैक्ट्री चल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद से झारखंड की जनता को ये बताना चाहिए कि 2.25 सालों में जमीन, खान, खदान और फैक्ट्री हड़पने व पैसे कमाने की भूख जैसी और कितनी गलतियां उन्होंने की है। बता दें कि ट्वीट में बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि माइंस लेकर गलती हो गई, हल्ला हुआ तो सरेंडर कर दिया। उनकी पत्नी ने भी गलती से आदिवासियों की 11 एकड़ जमीन ले ली, सुना है पोल खुली तो वह भी लौटा दिया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि कहते हैं उन्होंने माइंस लिया तो खान विभाग ने गलती से पते में SDO कोठी लिख दिया। तो ट्वीट के जरिए लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं बाबूलाल मरांडी के ट्वीट पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। अगर हम सांसद निशिकांत दुबे की बात करें तो निशिकांत दुबे ने बाबूलाल मरांडी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा है कि किसी की हत्या करने के बाद इनसे केवल गलती हो गई, बस इतना ही कहना है, इनको बताने का कोई फायदा नहीं है, अब तो भैंस गई पानी में ही समझिए। ये बातें निशिकांत दुबे ने कही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। जहां विपक्ष के निशाने पर सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन हैं, तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति झारखंड में किस करवट जाती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव लगातार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।